साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोऽस्तुते। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतार्तिहारिणी, जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। काली काली महाकाली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सर्वबाधा विनर्मुक्तो भंगानं सुतानुतं मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूतेशनातनी गुणाश्रयी गुणमयी नारायणी नमोऽस्तुते। बोले धरती माता की जय, भारत माता की जय, गंगा मैया की जय, भोले बाबा की जय, महानदी मैया की जय, भद्रकाली माता की जय, हमारी सभी माताओं की जय हो, हमारे प्यारे बच्चों की जय हो, सभी देवतुल्य परमपिता की सच्ची संतानों को हृदय से बारंबार नमन करते हैं। परमपिता परमात्मा की हम आप सब संतानें बराबर हैं और हम सब एक परमपिता की संतान होने के नाते सत्य प्रेम सद्भाव समर्पण हमारे जीवन में होना चाहिए। इसी के लिए हमारी राम कथा घर घर में राम बनाने आई हमारी संतानों को। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व परमात्मा को अपने हृदय में उतारेंगे। जब हमारे परमात्मा जब हमारे हृदय में उतर जाएंगे तो कथा समझ में आएगी। जैसे सुनना और ध्यान से सुनना दोनों में अंतर है ना, जब कुछ ध्यान से बताना होता तो बोले थोड़ा ध्यान से सुनना इस बात का, बाकी तो सुन रहे हैं। सुन तो वो भी रहा है जिसको मालूम है कि अभी अगर कोई पूछेगा तो कुछ नहीं बता पाएंगे, वो भी सुन रहा है। तो सुनना और ध्यान से सुनना, और जो ध्यान से सुनता है वो उस पर चलने लगता है, ठीक है ना। अरे आप लोग तो गांव के लोग हैं, बैलों से भी काम करवा लेते हैं आप लोग, ठीक है ना। हम लोग गांव के लोग बैलों को भी गले में बांध देते हैं रस्सी और उसमें बीच में एक लकड़ी बांध देते हैं और बैल जो है चारों तरफ घूमता रहता, क्या बोलते हैं उसको, दाएं, दाएं बोलते हैं ना, बहुत बढ़िया। तो हमारी ये देवों की पावन धरती देवभूमि, हमारी जन्मभूमि क्या है, देवभूमि है। और जिसकी जन्मभूमि देवभूमि है उसी का जन्म सार्थक है, क्योंकि
गीता ने बार बार कहा है, गीता में हम लोग रोज पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो। और क्या बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अगर एक लाइन याद बस कर लें और उस पर चलने लग जाए, बस कितनी लाइन, एक लाइन। अच्छा, रेलगाड़ी कितनी लाइनों पर चलती है, दो पर। क्यों मालूम, क्योंकि उसमें चके लगे रहते हैं, अपन लोगों के चके नहीं लगे हैं, है ना। अपन को ये ध्यान रखना है कि हमको एक चीज पकड़ना है, हमारा लक्ष्य क्या है, राष्ट्र रक्षा विश्व कल्याण। जब आप घर से चलते हैं तो ध्यान में रहता है ना कि हमको कथा पंडाल पर ही जाना है। और इसके बाद एक बात और ध्यान रखनी है, बाबा जी के पहले जाना है और बाबा जी जब खड़े हो उसके बाद उठना है, इतना संकल्प रखना पड़ेगा। त्यागी जी बैठ जाए उसके पहले हमको बैठ जाना है। आपको मालूम है जो कथा सुनाते हैं, कथा सुनाने वालों से पहले पहुंचना चाहिए, ये नियम है। और हम लोग देखते हैं कि अब आ गए होंगे बाबा जी, ठीक है। तो और दूसरा क्या है, जब उठ जाए अपने आसन से उसके बाद परमिशन होती है आपको उठने की। जैसे स्कूल में होता है ना, स्कूल में क्या होता है, पहले सर आते हैं कि पहले बच्चे आते हैं। हाँ, तो ये भी तो विद्यालय है, यहाँ पर ज्ञान की पाठशाला लगी हुई है। ये क्या है, ज्ञान की सच्ची पाठशाला। क्योंकि अगर आपको सच्चा जीवन में ज्ञान मिल जाए, भक्ति ज्ञान वैराग्य ये तीनों चीज, और ये किसको मिलती है, जो समर्पित होता है, समर्पित व्यक्ति को ही भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होता है। श्री मद्वाल्मीकि रामायण में प्रत्येक शब्द में ज्ञान भरा पड़ा है, उत्साह भरा पड़ा है, ऊर्जा भरी पड़ी है। बस अगर जरूरत है उसको स्वीकार करने की। आइए हम अपनी जन्मभूमि को अयोध्या, मथुरा, काशी ऐसा बनाएं। पतरेई बस ना रहने दें, पतरेई नाम है अच्छी बात है, अपने गांव का नाम रोशन हो, है ना। लेकिन कैसे होगा रोशन, अभी अगर आपके गांव में यज्ञ नहीं होता तो बहुत सारे दुकानदार नहीं आते, हम भी शायद नहीं आते। आपके गांव में यज्ञ और कथा होने के कारण हम भी पहुंच गए। ये भोले बाबा की इस गांव पर बड़ी कृपा है। और ये कृपा क्यों है मालूम है, आप लोगों के कोई अच्छे कर्म होंगे इसलिए, आपके अच्छे कर्मों के कारण हमारे कर्म भी सुधर जाएंगे, ठीक है। और हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे तो उसमें आपको भी थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाएगा। आप लोगों के कर्म ज्यादा अच्छे हैं, हमारे कर्मों से ज्यादा अच्छे कर्म आपके हैं। हमको एक साथ इतने सारे देवी देवताओं के दर्शन हो रहे हैं रोज, लोगों को जो है जाने पर नहीं मिलते हैं, कभी कभार मिल भी जाएं। और हमने पहले कहा है कि सब में भगवान देखो और उससे भेद मत करना। जिसमें हम भगवान देखते हैं उससे भेद नहीं करते हैं, भेद नष्ट हो जाए। और भेद नष्ट कब होगा, जब हमारे अंदर सकारात्मकता प्रवेश करेगी। तो एक बार बोलेंगे, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आइए भगवान नाम का संकीर्तन अच्छे मंतव्य के साथ, अच्छे उद्देश्य के साथ, सकारात्मक होकर के और एक मंत्र को लेकर के साथ। कौन सा मंत्र है,
मंत्र को भूलना नहीं है। कौन सा मंत्र है? है? हाँ बोलो थोड़ा जोर से। जिसके चेहरे पर रहेगी सदा मुस्कान, उसका नहीं हो सकता कभी कोई नुकसान, कोई नहीं कर सकता कभी नहीं। ठीक है, यही अयोध्या यही बनारस। ठीक है, जो लोग आत्मा से गाएंगे ना उनकी जन्मभूमि तो अयोध्या बन जाएगी, तो कल नहीं बनेगी, आज बनेगी, अभी बनेगी, इसी वक्त बनेगी। यही अयोध्या यही बनारस इशारा करना चाहिए। कहाँ है? यही, जहाँ आप बैठे हो, जहाँ हम बैठे हैं, यही है। यही अयोध्या यही बनारस, यही वृंदावन धाम है। बनारस यही वृंदावन धाम है, यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है, यही अयोध्या यही बोलेंगे वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है, यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है। जान सके पहचान सके तो, जान सके पहचान सके तो सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है। कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, अरे कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं, कोई मक्का कोई मदीना कोई अमृतसर जाते हैं। जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं, जो बैठा है सबके अंदर उसे समझ नहीं पाते हैं। दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है, दुनिया घूमो बुरा नहीं है। अनुभव की ये खान है, अनुभव की ये खान है। अरे यही अयोध्या यही बनारस यही वृंदावन धाम है, जान सको पहचान सको तो, जान सको पहचान सको तो सबके अंदर राम है, सबके अंदर राम है, अरे सबके अंदर राम है। बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम राम पुष्कर तीर्थ है। कहीं बताइए तो जरूर बताइए कि हमारे गांव में जो तीर्थ है उसका नाम पुष्कर है, आपका सम्मान बढ़ेगा। पता है, बताते हो आप लोग? नहीं बताते हो? पतरेई से आए हैं। अरे पतरेई तो बताओ, अच्छी बात है, पतरेई बताने में शर्म नहीं होना चाहिए। जैसे हम बताते हैं हम तो विलायत से आए हैं। ठीक है, सुनो विलायत, पूरी दुनिया में दो विलायत है, एक जहां से हम आए हैं और एक जहां गांधी जी गए थे। तो गांधी जी को जाना पड़ा था लेकिन हम वहां से आए हैं। ठीक है, तो हम जो हैं
विलायत से आए हुए हैं और आप लोग पतरे से, तो पतरे बताने में संकोच नहीं करना। कभी अपनी जन्मभूमि को, कभी अपने माँ के नाम को, पिता के नाम को बताने में संकोच नहीं करना, क्योंकि नाम बड़ा नहीं होता है। अब पुष्कर तीर्थ हो और काम तीर्थ वाले एक भी ना हो, है ना, तो हमारा जो है काम तीर्थों वाला होना चाहिए। और जब काम तीर्थों वाला हो जाएगा तो नाम भी तीर्थों वाला हो जाएगा। एक उदाहरण बताते हैं आपको, छोटा सा, उसको समझना है। एक व्यक्ति रोज पन्नी बीनता है, उसका नाम नहीं मालूम किसी को। अचानक लोगों ने आवाज लगाई, क्या आवाज लगा रहे होंगे, क्या बोले होंगे, खड़े बताओ, पन्नी वाले। एक माइक भैया वहां रखा करो, है ना, तो हमारे बच्चे भी जो हैं, एक माइक कम से कम हमारे बच्चों के लिए, हमारी माताओं के लिए, पता नहीं कब कौन सा अच्छा उत्तर दे दें और कब इनके उत्तर के प्रति प्रसन्नता हो जाए, तो इनको कुछ कुछ पुरस्कार, ठीक है ना। तो जब उसका नाम नहीं मालूम होगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, अरे पन्नी वाले भैया, ऐसी बोलेंगे, भले खूब सम्मान दे दें लेकिन पन्नी वाले बोलेंगे। जैसे बोलते हैं, अरे कचरा साफ करने वाले भैया थोड़ा यहाँ आइए, लेकिन कचरा वाले ही बताएंगे। अच्छा, कचरा बीनना खराब काम नहीं है ना, हम भी जब जाते आते तो हम भी पन्नी बीन देते हैं, मालूम है। लेकिन जो मुख्य काम होगा आपका, जैसे एक जन कबाड़ का काम करते, तो हमने कहा भैया कबाड़ का काम मत करो। बोले क्यों, हमने कहा आपको सब लोग क्या बोलेंगे, कबाड़ी हो, ये बोलेंगे ना। तो काम आपका बहुत मायने रखता है, दूध वाले भैया, पेपर वाले भैया, ऐसे तो बोलते हैं बोल लो, ठीक है। तो आपकी पहचान कैसी है, आपके कार्य ऐसे होने चाहिए। राम जी का नाम महत्वपूर्ण तो है, लेकिन राम जी का काम महत्वपूर्ण है, इसलिए वो नाम कीमती हो जाता है। अगर सिर्फ नाम बस अनमोल होगा, काम अनमोल नहीं होगा, तो संभव नहीं है। राम जी को इसीलिए अनमोल कहा गया है, है ना, क्योंकि आपके अंदर वो जो राम बैठा है, जिसके अपन बात करते हैं, सबके अंदर वही राम है। आइए हम लोग आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। कहते हैं कि राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति के बारे में हम लोग संक्षिप्त में, राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, ठीक है, 60,000 पुत्र। ताम कथाम कौशिको रामे निवेद मधुराक्षराम पुनरे वा परम वाक्यम काकुस्तमिदम प्रवेद। यहाँ पर जो है विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त